हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। ये क्या, एक तो ये कुछ कुछ तो पलटती नहीं है भाई। ये देखो इसको कब से पलट रही, सॉरी को पलट ही नहीं रही, मोटी गई की। भाई पलट जा, ये देखो बहन पलट जा। बहन अब हुई है पलटी है, इन तीनों को भी पलट देती हूँ। इसको क्या हो गया बहन, क्या दिक्कत है? पलटना पलट, तेरा ध्यान किधर है, ओ तेरा हीरो इधर है। पौ 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 पौ, ये पलटी और ये गुजिया। गुजिया से हम सभी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हो और अपने अपने घरों में सेफ हो। दोस्तों आज हम मनाने जा रहे हैं गुजिया। हम बनाएंगे सूजी मावे की बड़ी गुजिया, बहुत ही टेस्टी, बाहर से खस्ता अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग होगी। इससे पहले मैंने गुजिया की रेसिपी पोस्ट की है, ये वाली गुजिया थोड़ी अलग है, ट्राई ज़रूर करना। होली आ रही है तो होली में सबसे ज़्यादा गुजिया बनती है या दही बड़े बनते हैं। मैंने सोचा था पहले दही बड़े बनाती हूँ, पर दही बड़े के लिए मैं दाल भिगोना भूल गई थी, तो सोचा गुजिया ही बना देती हूँ। तो गुजिया के लिए सारा सामान मैं लेके आ चुकी हूँ, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आपसे और गुजिया बनाऊँगी, साथ में खूब सारी बातें करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो के साथ बने। कल ना मेरी मम्मी के साथ मेरी लड़ाई भी हो गई थी, तो हफ्ते में नहीं सॉरी महीने में एक बार, जब तक लड़ाई नहीं होती तब तक अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लड़ाई हो गई तो इसका मतलब मेरी होली थोड़ी अच्छी जाएगी। और ना मेरी मम्मी की, शायद बहुत सारी मम्मियों की ऐसी होगी कि ना जब मेरी मम्मी के लिए आप कितना भी कुछ कर लोगे ना, मेरी मम्मी को कम ही लगेगा और इतनी कमियां निकालती ना हर छोटी छोटी चीज़ में। आप लोगों की मम्मी भी निकालती है कि प्लीज़ मुझे बताना करके। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा लेंगे। इसके लिए देखिए इस तरीके का डो हम मैदा लेंगे, ठीक है? तो अगर मैं आपको नाप से बताऊँ तो ये करीबन 500 ग्राम मैदा है, क्योंकि ये जो एक बोल है ना ये 250 का है, तो 2 500 ग्राम। मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है इसलिए मैंने सोचा बता ही देती हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मीठी चीज़ में अगर थोड़ा नमक डालते हैं ना तो टेस्ट बैलेंस हो जाता है, ठीक है? एक चम्मच डालेंगे सूजी। अब दोस्तों ये जो सूजी है ना ये बारीक बारीक लेनी है, मतलब अगर आपके पास मोटी हो तो मिक्सी जार में डाल दो, उसको बारीक कर लो। सूजी डालने से क्या होगा, डो एकदम खस्ता बनेगा, ठीक है? तो ज़रूर डालना। अब हम इसमें डाल देते हैं घी। तो ये देखिए 1/4 बोल के हिसाब से घी डाल रही हूँ। अगर घी ना हो तो आप तेल डाल सकते हो। अभी हमारे तो क्या होता है कि हमको पता है कि हम ये बना रहे हैं तो हम ये सब सामान लेके आ जाते हैं। अब जैसे आप लोग हो, बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं YouTube वीडियो देख के बनाती हूँ चीज़ें, तो बहुत सारी बार हमारे घर में सामान नहीं होता है, तो चिंता मत लेना, घी की जगह तेल का यूज़ कर लेना। बट घी से क्या होगा कि थोड़े ज़्यादा खस्ता बनेंगे और कुछ नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा अभी जैसे ये YouTube के लिए बना रही हूँ ना तो ये थोड़ा कम बना रही हूँ, ठीक है? अभी घर के लिए हमारा बनेगा शायद कल बनेगा। हाँ कल बनाएंगे हम घर के लिए खूब सारा। मेहमान तो आजकल सबके घर में शायद कम ही आते होंगे कोविड के बाद से, पर हाँ घर वालों के लिए खाने के लिए हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना? अब हम इसमें डालेंगे पानी, ठीक है? तो ये सब हटा देते हैं। इसमें घी लगा हुआ था, घी इतना महंगा हुआ है घी वेस्ट भी करने का मन नहीं करता। इसी में घी वाले बर्तन में पानी डाल दिया मैंने। इसका एकदम हार्ड सब टाइप ग्रो होता है वैसे बना देते हैं। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हश्र,
मेरे को सबसे बुरा लगता है ये आटा वाटा गूंदना ना, सबसे बुरा काम लगता है मुझे। इस बार हमने होली में कोई सफाई भी नहीं की है, देखो आज टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, करेंगे थोड़ी बहुत सफाई। सफाई तो क्या, बस किचन साफ करना होता है थोड़ी बहुत सफाई। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद आटा हमारा यहाँ पे गूंद चुका है। इस तरीके का आटा होना चाहिए, देखो थोड़ा सा, मतलब ये आटा कह सकते हो आप थोड़ा हार्ड है, इसी तरीके का आटा हमको गूंदना है। अब इसे क्या है, ढक के रख लूंगी और आगे की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। पहले जब हम गुजिया खाते हैं ना, तब हमें ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर मेहनत कितनी लगती है, मतलब गुजिया बनाने में बहुत मेहनत चाहिए होती है। हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे ना कि मम्मी गुजिया बना रही, तो हम लोग ऐसे ऐसे बनाते थे। आप में से भी बहुत लोग ऐसा करते होंगे, पर अब इतना क्रेज नहीं है। अब तो चलो थोड़ी बहुत गुजिया बना ली तो ठीक है, नहीं बनाई तो भी ठीक है, बाहर से ले आएंगे, पर घर पे बनाओगे तो स्वाद ज़्यादा आएगा, तो ट्राई ज़रूर करना। डो हमारा बन गया था, अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए मैंने सबसे पहले पैन चढ़ा लिया है। डालेंगे सूजी, तो ये देखिए इतनी सूजी डालनी है हमें, आधा बोल, आधा मोल माने कि ये 125 ग्राम है सूजी, तो आधा बोल सूजी डाल दी। अब जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। सूजी डालने से ना, मतलब जो ये होती है ना गुजिया, उसका अंदर से जो टेस्ट होता है वो अलग ही आता है। आप मतलब आप लोगों ने बनाई भी होगी सूजी से बनी गुजिया, तो सूजी ज़रूर डालना है ना। अब इसको जब तक इसका थोड़ा कलर ब्राउन नहीं आ जाता, स्मेल में थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, तब तक मैं इसे अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। तो जब तक हमारी ये जो सूजी है ये अच्छे से हो रही है, तब तक मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो आज से मैंने सोचा अब से कोई भी रेसिपी बनाऊंगी तो मेरे जो दिल की बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ करूंगी। वैसे हम ना हर होली में ये जैसे गुजिया हो गई है, मटरी हो गई है, मीठे पारे हो गए हैं, ये सब बनाते हैं, पर इस बार हम दही बड़े भी बनाएंगे। मैं ना दही बड़े का दाल लेके आई थी और सोचा था कि उसको भिगोऊंगी, पर है ना रात को इतना काम था ऑफिस का वो करते करते, फिर जाके सुबह 4 बजे मुझे याद आया कि अरे मुझे ना मतलब ये भिगोनी थी। फिर है ना मैंने मम्मी को फ़ोन किया, वैसे मैं मम्मी से बात तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, पर अब क्या करें, बात किए बिना सामान मिलता भी नहीं क्योंकि मम्मी ने सारा अरेंज करके रखा था सामान। फिर है ना मम्मी कहती कि मम्मी पहले गुजिया बनाने वाली थी, फिर मम्मी ने बोला नहीं मैं गुजिया नहीं बनाऊँगी, मैं ना रसगुल्ले बनाऊंगी। तो मम्मी के भी आज है ना रसगुल्ले की रेसिपी आएगी, और अभी तो मम्मी स्कूल है, अब स्कूल से आएगी तब बनाएगी, बोल तो रही थी ऐसा, पर स्कूल से आती है फिर थक जाती है थोड़ा बहुत खा के, फिर नींद आती है। एक्चुअली इस बार मैं इतना बाहर थी ना, कभी ये काम कभी वो काम, तो हम ना होली का ज़्यादा सामान बना नहीं पाए, नहीं तो आपको तो पता ही है मैं इतनी सारी सामान बनाती हूँ। इससे ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और अंशिका को भी काम पे लगा दिया मैंने, एक तो उसके पेपर खत्म हो गए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा घी डाला मैंने। इसमें डालेंगे ये काजू, हर चीज को मैंने छोटा छोटा डाला है, ठीक है छोटा छोटा कट करके आपको भी डालना है। ये है बादाम, थोड़ा सा इसमें डालेंगे पिस्ता, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये क्या बोलते हैं इसे, रेजिन, किशमिश, हाँ
अब इन सब को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कलर ना चेंज हो जाए तब तक कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा तो ये हो गया, अब क्या करेंगे इसको निकाल देंगे, उसी प्लेट में साइड में निकाल देते हैं। इसी में अब हम डाल देंगे मावा। तो ये देखिए मावा मैंने लिया है आधा बोल के हिसाब से, और इसको हम थोड़ा सा मावा सख्त हो गया तो इसको ऐसा कर देंगे कि ये थोड़ा मतलब लाइट हो जाए वेट। वैसे मावा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी है मेरे चैनल में, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ज़्यादा इसको हमको ब्राउन नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है, उतना ही करना है। ये देखिए मावा भी अच्छे से हो गया है, इतना ही करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना। इसको साइड में निकाल देते हैं इसी में। सभी चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद हम आगे की चीज़ें करते हैं, नहीं तो हाथ जल जाएगा और मेरा हाथ इतना जला हुआ है ना पहले से। अभी ना मैं भुजिया बनाने वाली थी, मुझे एक चीज़ दिखी जो कि मैंने नहीं डाली इसमें, थैंक गॉड दिख गई, नहीं तो अभी कबाड़ा हो जाता। ये देखिए नारियल फ्रेश जो होता है ना खोपरा, हाँ उस खोपरे को अच्छे से मैंने कर लिया है ग्रेट। ये काम अंशिका ने किया है क्योंकि ग्रेट बहुत मतलब खोपरा इतना टाइट होता है, मुझसे तो होता ही नहीं है। तो अब इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, कलर चेंज हो जाता है, स्मेल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तब तक इसे भून लेते हैं। अब मैं देख गुजिया बनाने के लिए मैं चली गई थी, फिर मैं वापस आई, अरे इतनी मेहनत से उसने करा था। अभी ना इसके खोपरे के ना अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब खोपरा आना चाहिए। खोपरा बोलते हैं, गोटा बोलते हैं, आप बताना क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से इसको खोपरा भी बोलते हैं, गोटा भी बोलते हैं। तो ये भी अच्छे से हो गया, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको भी साइड में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लिया है। इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देते हैं, बहुत अच्छा इसका मतलब टेक्सचर और स्मेल आता है। हो तो ज़रूर डालना, हमारे घर में होपफुली बचा हुआ था, वैसे हमारे घर में कोई चीज़ें बचती नहीं है ज़्यादा टाइम तक। ये मैंने डाल दिया इलायची, इलायची पाउडर मैं हमेशा क्रश करके डालती हूँ, क्रश करके डालने से बहुत अच्छा इसका मतलब स्मेल आता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अब जैसे केवड़ा वाटर खोला ना तभी से इसमें स्मेल आने लग गई है अच्छी वाली। अब मैं इसमें डालूंगी भूरा, चीनी का भूरा। चीनी भी डाल सकते हो पर भूरा डालना मतलब मैं तो यही बोलूँगी भूरा डालना। चीनी क्या फिर जाके कैरमलाइज होने लग जाएगी, क्या पता आपकी भुजिया फटने लगे। भूरा बेस्ट रहता है, अच्छा टेक्सचर आता है, स्वाद अच्छा आता है। तो
ये देखो, ये इसकी स्टफिंग एकदम तैयार है, मस्त वाली। अब चलिए एक एक गुजिया बनाते हैं। चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा भूरा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हमारे थोड़ा चीनी सबको नॉर्मल ही पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी कम ही डाली है। वैसे जिन जो लोग मीठा खाते हैं वो दो बोल डालना। ये तैयार है, अब चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। ये अच्छे से हो चुका है, एक बार और इसे मसल लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा बेल लिया, इसमें रख दिया, थोड़ा नीचे स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा सा पानी लगा देंगे साइड में, पानी से अच्छे से बंद हो जाते हैं। अच्छे से प्रेस करके निकाल के ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है, ना ज़्यादा स्टफिंग हुई है ना कम हुई है, ऐसी ही बनानी है। अब साइड में रख देती हूँ ऐसे बना बना के। देखिए दोस्तों सारी गुजिया मैंने बना ली है, ये देखिए सब बन गई। तो करीबन 25 से 30 गुजिया बनेगी। अब हम इसको फ्राई करते हैं, तो तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये ना लो में ही रहेगा, मतलब ज़्यादा हाई में नहीं पकाएंगे हम इसे। तो अभी थोड़ा सा गर्म और होगा तब मैं डालूँगी गुजिया। लो में बनाने से क्या होती है कि आपकी गुजिया ना मतलब बाहर से खस्ता बनती है और बहुत अच्छी बनती है। अगर हम हाई में बनाएंगे तो गुजिया सिर्फ बाहर से हो जाएंगी और अंदर से बिल्कुल अजीब सी रहेंगी, बाहर से खस्ता नहीं होगी। अब देखिए जैसे मैं गुजिया इसमें डाल रही हूँ तो इसमें छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं। इस तरीके का तेल हमको रखना है और इसमें हम इसे पकाएंगे। इससे क्या होगा, बाहर से खस्ता होगी। अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अब इसको जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। इसको हम पलट लेंगे और पलट के भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक तो ये कुछ कुछ तो पलटती नहीं है भाई, ये देखो इसको कब से पलट रही, सॉरी को पलट ही नहीं रही, मोटी गई की भाई पलट जा। ये देखो बहन पलट जा, बहन अब हुई है पलटी है। इन तीनों को भी पलट देती हूँ, इसको क्या हो गया बहन, क्या दिक्कत है, पलटना पलट। तेरा ध्यान किधर है, ओ तेरा हीरो इधर है। पौ 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 पौ। ये पलटी और ये
इसमें कोई ऐसा। ये देख रहे हो कितनी खस्ता बनी है, ये देखना। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर जाके हम दूसरे बैच की डालेंगे।